कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खुशहाल होंगे। मैं हूँ नीना और आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ। स्पेशल मतलब कि यही है कि मैं विंडो का मेकओवर करने वाली हूँ। जो मेरा एसी का विंडो है मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से दिखता है। तो कुछ इस तरीके से ये एसी विंडो दिखता है और इसके बीच में मैंने अभी रिसेंटली ही एसी को इंस्टॉल करवाया है। एसी इंस्टॉल तो करवा लिया है पर यहाँ पर ना मुझे दो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सबसे पहला है कि आप देख सकते हैं जो कर्टेन है वो प्रॉपर्ली सेटअप नहीं हो पा रहे हैं, और दूसरी प्रॉब्लम आ रही है कि जो एयर है ना विंडो की एसी की वो ऊपर ही ऊपर चली जा रही है, यानी कि सोफ़ों के लेवल तक तो आ ही नहीं रही है। लेकिन अब आप कहेंगे कि मैंने ये मिडल में क्यों एसी को सेटअप कराया है। एक्चुअली क्या है, अगर मैं नीचे वाली विंडो में एसी सेट कराती तो पीछे की साइड में ना मेरी छोटी सी गैलरी है जिसमें मैंने प्लांट लगाए हुए हैं, और जो प्लांट्स हैं उनकी लेंथ जो है वो मेरी छोटी वाली विंडो, नीचे वाली जो विंडो है वहीं तक पहुँच रही है, जिस वजह से अगर मैं एसी को चलाऊँगी तो वो प्लांट्स को हीट पहुँचेगी और उस वजह से वो प्लांट्स तो मुरझा ही जाएंगे। तो इस वजह से मैंने इन्हें मिडल में सेट करा लिया। अब मिडल में सेटअप तो करा लिया है पर यहाँ पर ना रूम बिल्कुल अजीब सा लग रहा है, कर्टन भी सेटअप नहीं हो पा रहे हैं और हवा भी नहीं। तो यही दोनों का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने कैसे सॉल्व किया है और कैसे मैंने प्रॉपर्ली से कर्टन का सेटअप भी किया है और विंडो की एयर को भी बिल्कुल सही तरीके से मैनेज किया है। तो चलिए शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका सेटअप करने के लिए यहाँ पर ले लिए हैं मैचिंग वॉलपेपर्स। एक्चुअली जब मैंने दीवार पर वॉलपेपर लगवाए थे तो तब कुछ वॉलपेपर्स बच गए थे तो वो मैंने रख लिए थे और वो आज मेरे काम आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं विंडो का नाप लेते हुए सेम ही उसमें जो वॉलपेपर है उसमें मैं निशान लगा करके उन्हें काटती जाऊंगी। तो जितने मुझे टुकड़े चाहिए उस हिसाब से मैं काटती जाऊंगी। आप चाहें तो यहाँ पर मैचिंग का कर्टेन भी सेट कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी मन पसंदीदा कोई सीनरी हो, कुछ इस तरीके के प्रिंट्स हो तो उन्हें भी आप सेट कर सकते हो। पर मैं यहाँ पर सेम ही वॉल के मैचिंग का वॉलपेपर सेट कर रही हूँ। एक तरफ मेरा फ्लावर वाला वॉलपेपर लगा हुआ है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं वो प्लेन वाला है, यानी कि हल्के डॉटेड प्रिंटेड वाला है। तो वही वाला मेरे पास पड़ा हुआ था, उसी को ही मैं सेटअप करने वाली हूँ। तो अब मैंने नाप लेकर के इनको काट तो लिया है पेपर को, अब मैं इन्हें स्टिक करने वाली हूँ। तो स्टिक करने के लिए मैंने क्या किया है, फेविकोल ली है और फेविकोल को जो लकड़ी वाला एरिया है ना वहाँ पर लगा रही हूँ, और लकड़ी वाले एरिया से ही मैंने नाप लेते हुए काटा हुआ है और अच्छे से ग्लू को लगा दूँगी। और ग्लू को लगाने के बाद अब जो मैंने कटिंग किया हुआ पेपर है उसे चिपका दूँगी। बहुत ही आसान है लेकिन दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि विंडो प्रॉपर्ली सेटअप नहीं बैठ पा रहा हो तो इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें, बहुत ही बढ़िया सा आपके रूम की पूरी लुक ही चेंज हो जाएगी। मैं आपको आगे दिखाऊंगी कितना ब्यूटीफुल सा कमरा बन जाएगा ये और मेरा विंडो का कितना बढ़िया सा सेटअप हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से लगा लेती हूँ। Thank you.
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरे कर्टेन अब कितने प्रॉपर्ली से सेटअप हो चुके हैं, पहले कैसे दिख रहे थे अब कैसे हैं। और हवा के लिए जो मैंने ऊपर है ना एक गत्ता फिक्स कर दिया है और उसको मैंने हल्का सा नीचे की तरफ को डायरेक्शन दे दी है, जिस वजह से बहुत ही बढ़िया तरीके से हवा भी सोफे पर पहुंच रही है। और आप देख सकते हैं अब कर्टन कितने प्रॉपर्ली से सेटअप हो रखे हैं और ये विंडो जो मेरा कि उलझा हुआ सा लग रहा था अब देखने में कितना बढ़िया लग रहा है, आप बिफ़ोर एंड आफ्टर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान है, इस ट्रिक को आप भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है। और आपको ये ट्रिक कैसी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिए जो इस चैनल पर नए हैं। मिलते हैं ऐसी और मज़ेदार वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।